आप सभी दोस्तों को जय किशोर पूनिया का प्यार भरा नमस्कार। आज 15 अगस्त है, आप सभी को क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल PSJ टोरोपे पे स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आज हम आपको राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिखाने जा रहे हैं जो कि लेह में स्थित है। यह युद्ध स्मारक हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध, हिंदुस्तान चाइना के युद्ध को दर्शाता है तथा जो हमारे सेनानी शहीद हुए हैं उनका नाम वहां पर लिखा गया है। मैं आपको संक्षेप में हर एक बात बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। हॉल ऑफ फेम का निर्माण लेह में 1986 में हुआ था। इसमें लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर व कारगिल में पाकिस्तान से हुए युद्धों के साथ अन्य सैनिक अभियानों में भारतीय सेना की उपलब्धियों के साथ क्षेत्र की कला व संस्कृति को भी संजोया गया है। यह संग्रहालय लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देता है। पिछले 3 दशकों के दौरान हॉल ऑफ फेम पर्यटकों का एक प्रमुख केंद्र बनकर पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। देश के साथ विदेश से भी पर्यटक गर्मियों के महीनों में यहाँ आकर भारतीय सेना की वीरता के घायल होते हैं। हॉल ऑफ फेम लद्दाख में आने वाले विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। हर साल 1.5 लाख पर्यटक हॉल ऑफ फेम में आकर इसको देखते हैं। भारतीय सेना ने लद्दाख में देश की सरहदों की रक्षा के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। टूरिस्ट सर्किट पर महत्वपूर्ण पड़ाव यह हॉल ऑफ फेम देशभक्ति के सार को प्रदर्शित करता है। भारतीय सैनिकों की बहादुरी और उनकी साहसिक उपलब्धियों का बखान करता है। अब हम हॉल ऑफ फेम के सामने से गुजर रहे हैं। इसको बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इसके सामने तोपें रखी गई हैं, आर्टिलरी रखी गई हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य आपको सामने नजर आ रहा है। श्वेत बादल, नीला आकाश, सीना चौड़ा किए हिमालय की पहाड़ियां कह रही हैं वंदे मातरम। आप सभी का हॉल ऑफ फेम में स्वागत है। लद्दाख की वेशभूषा में पुरुष तथा महिला के द्वारा आपका स्वागत किया जा रहा है। लद्दाख में भारतीय सेना की वीरता व कुर्बानियों का इतिहास समेटने वाले हॉल ऑफ फेम को एशिया की सर्वश्रेष्ठ 25 संग्रहालयों की सूची में शामिल किया गया है। यह संग्रहालय देश के 5 संग्रहालयों में सबसे ऊपर है। जैसे ही आप हॉल ऑफ फेम में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, सबसे पहले आपको वहाँ की रहन-सहन, वेशभूषा तथा खान पान के बारे में दिखाया गया है। लेह लद्दाख में आपको बौद्ध धर्म के सबसे ज़्यादा अनुयायी मिलेंगे। संग्रहालय में संपूर्ण रूप से कोशिश की गई है कि आपको लेह लद्दाख से संबंधित वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की रहन-सहन। इसके अलावा छायाचित्रों में आपको वहाँ पर होने वाली वनस्पति, वहाँ पर होने वाले फल फूल तथा वहाँ पर वन्य जीवन के बारे में दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको लद्दाख की वेशभूषा पहने पुरुष व महिला को दिखाया गया है। अब हम आपको वॉर गैलरी में लेकर जा रहे हैं जहां पर हमारे वीर सैनिकों के चित्रों को दर्शाया गया है।
इस चित्र में जनरल वीपी मलिक को दर्शाया गया है। इस गैलरी में आपको कारगिल युद्ध से संबंधित वीर जवानों की चित्रों को दर्शाया गया है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर वार के दृश्यों को दर्शाया गया है। मेजर जनरल बुद्ध सिंह व लेफ्टिनेंट जनरल हरिचंद एक सैनिक तोप से बम दागते हुए हमारे वीर सैनिकों ने अपनी शहादत देकर कैसे पाकिस्तान और चीन के साथ अपने युद्ध को जीता, इस गैलरी में परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों को दर्शाया गया है। हमने हर एक चित्र को नजदीक से दिखाने की कोशिश की है ताकि आप हर एक वीर जवान के नाम से तथा उसके स्थान से अवगत हो सकें। लेफ्टिनेंट कर्नल धान सिंह थापा, मेजर शैतान सिंह, नायब सूबेदार बना सिंह, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल शेरजंग थापा, लेफ्टिनेंट कर्नल पृथ्वी चंद, सिपाही अमर सिंह, यह स्टैचू लेफ्टिनेंट कर्नल खुशाल चंद। मेजर खुशाल चंद, नायक प्रीतम सिंह, मेजर हरिचंद, कैप्टन फतेह सिंह, मेजर चुवांग रिंचे, ब्रिगेडियर अटल कन्हैया लाल,
पाकिस्तानी सैनिकों के पत्र। यहाँ पर जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट को दिखाया गया है। कारगिल युद्ध में होने वाले विभिन्न ऑपरेशनों को दिखाया गया है, जैसा कि ऑपरेशन स्पैरो। युद्ध के दौरान हमारी सेना को जो विदेशी हथियार मिले उनको यहाँ पर दिखाया गया है।
किस किस तरह की गांठें हमारे सैनिक रस्सियों पर लगाते हैं यहाँ पर उनको दर्शाया गया है। ग्लेशियर में देश की रक्षा करते हुए किस तरह के सूट और परिधानों का इस्तेमाल हमारे वीर सैनिकों के द्वारा किया जाता है यहाँ पर उनको विस्तृत रूप से दिखाया गया है। यहाँ पर ग्लेशियर में यूज होने वाले टेंट, स्कीइंग और ऑक्सीजन से संबंधित बहुत सारे उपकरणों को दर्शाया गया है। यहाँ पर बर्फीली पहाड़ियों पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड हेलीपैड को दिखाया गया है। हॉल ऑफ फेम अपने आप में वीर सेनाओं की गाथाओं को संजोए, उनके चित्रों को संजोए एक संपूर्ण गैलरी है। आप यहाँ इसको जरूर देखें, इसको मिस ना करें। यह हॉल ऑफ फेम के पीछे बनाया गया एक युद्ध स्मारक है जो कि हमारे वीर जवानों और सेनानियों को श्रद्धांजलि देता है। वंदे मातरम। यह वीडियो हमारे देश के वीर जवानों और योद्धाओं को समर्पित है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।